Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. विशाल की सूझबूझ से आखिरकार जीत गई है टाइगर टीम। टाइगर टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं विशाल का दिमाग भी इसमें था, क्योंकि शमिता शेट्टी को पटाया और शमिता शेट्टी ने बकायदा तौर पे उनको सपोर्ट किया। और बिग बॉस के घर में अब किस किस को मिल गया है दाखिला, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्प्रिट सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे जो ये टास्क हुआ, जहर वाला टास्क हुआ कि बिग बॉस ने जंगलवासियों में ही तीन टीमें बना दी थी कि तीनों टीमों में भैया आपस में भिड़ना है, एक दूसरे को मारना है। गन्ने के जूस में की मशीन चलाते हुए सभी जंगलवासी दिखाई दिए और बहुत बढ़िया तरीके से सभी ने परफॉर्म किया। और यहाँ पे बिग बॉस ने एक बहुत ही समझदारी, बहुत ही चालाकी, तो बढ़िया गेम प्लान करते हुए शमिता शेट्टी को सभी अधिकार दे दिए मैक्सिमम। निशांत और प्रतीक को कोई खास अधिकार नहीं मिले, शमिता शेट्टी ने ही डिसाइड करना था कि किसका जूस सबसे ज्यादा है और फिर वो जूस लेके उसके बदले में जहर लेंगे प्रतीक और निशांत भट्ट से। हालांकि निशांत भट्ट और प्रतीक ने यहाँ पे बीच में शमिता को सलाह देने की कोशिश की थी कि बिग बॉस ने मना कर दिया, और ऐसे शमिता ने भी कहा कि भैया ये मेरा काम है, मैं करूंगी, क्योंकि विशाल के साथ उसकी गाटी जो है पड़ चुकी थी। विशाल की बात ने उनको ये कह दिया था तू अपने लिए खेल, अब शमिता अपने लिए ही खेलना शुरू कर चुकी है। तो ऐसे करते जो धीरे धीरे पहले राउंड में देखा हमने कि टाइगर जीत गए, दूसरा राउंड जो है ड्रा जाता है, तीसरा राउंड में विशाल कोटियान की हेल्प से जो है डियर जीत जाते हैं, और चौथा में फिर से खबर ये है कि शमिता शेट्टी ये कहते हुए टाइगर टीम को विनर घोषित करती है कि इनके जूस में फोम ज्यादा है, तो वो जीत जाते हैं। तो जीतने के बाद बाकी टीमें कैसे रिएक्ट करेंगी ये तो देखना होगा, लेकिन उनके बाद ये चारों दावेदार अंदर जाने के बन गए हैं। तो ये चारों जीत जाते हैं, तो अब ये है कि बिग बॉस के घर में चारों की हो गई है एंट्री, या क्योंकि अकाशा अभी तक हमको बिग बॉस के घर के अंदर नहीं दिखाई दी, अकाशा की भी एंट्री हुई है या कोई और बिग बॉस ने तरीका अपनाया, तो लेकिन ये चारों अंदर जाने के दावेदार हो गए हैं। विशाल कोटियान और ये तेजस्वी प्रकाश और जय भानुशाली बिग बॉस के घर के मेन घर में एंटर हो चुके हैं। अब ये देखना होगा इन चारों के साथ, चारों भी जाते हैं तो तीन वो हो गए। अब कहीं ना कहीं शमिता शेट्टी के अंदर पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल की वहां पे जो है कमजोर हो जाएगी टीम, ये मुझे लगता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स, धन्यवाद।